मुझे पसंद आया तुझे आर्यन? हाँ मुझे तो बहुत पसंद आया तुझे। हाँ मुझे भी बहुत पसंद आया। यह सिनेमा देखकर हमारे देश के बारे में, सैनिकों के बारे में स्वाभिमान सबके दिलों में निर्माण होता है। सच में अप्रतिम कितना संघर्ष करना पड़ता है इन सैनिकों को, उनके मन में देश के प्रति कितनी श्रद्धा कितना प्रेम रहता है। वो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, देश के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। कहाँ से लाते इतनी हिम्मत? सच में वो तो सच्चे देश प्रेमी होते हैं, लेकिन अब विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, इसलिए हम टीवी, रेडियो, मोबाइल इत्यादि के माध्यम से क्रांतिकारी सैनिक आजादी की कहानी देख सकते हैं। लेकिन जब अंग्रेज हम पर राज करते थे तब विज्ञान में ज्यादा उन्नति नहीं की थी, लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी वो विज्ञानवादी थे, इसीलिए तो हम अंग्रेजों को हरा सके। हमारे देश के वीर नेता सैनिक व उन्होंने विज्ञान में बहुत उत्तीर्ण थे, उन्होंने परदेश में जाकर विज्ञान की नई तकनीक सीखी। हाँ सच है, उस समय तो एक दूसरे को संदेश देने के लिए मोबाइल फोन भी नहीं थे, तो हमारे क्रांतिकारी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर विशिष्ट प्रकार के आवाज निकालते थे, क्योंकि वह जानते थे ऊंचाई पर ध्वनि का प्रसार हवा विरल होने की वजह से ज्यादा होता है। हाँ यार सही है, देखो मैं दिखाती हूँ कि ऊंचाई पर आवाज ज्यादा कैसे निकलती है। आज सुबह मैं पतंग उड़ा रही थी तो मेरी पतंग कट गई, अब आवाज आई नहीं। अब हाँ, अरे ये तो पंचों से क्या आवाज आ रही है? आवाज नीचे क्यों नहीं आई, ऊपर ही क्यों आई? जिलेटिन पेपर की ध्वनि कंपन रस्से से मिलती है, चक्कर लगाने से उसकी आवाज ज्यादा निकलती है। देखो ये था जिलेटिन पेपर का, अब मैं दिखाती हूँ स्केल पट्टी। अब आवाज आई? हाँ बहुत अच्छी आ रही है। तभी तो हमारे महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज ने सभी किले इतनी ऊंचाई पर बनाए हैं। शिवाजी महाराज ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दूरदृष्टि भी थी, अंग्रेज को राह दिलाने के लिए जब समुद्र पर जलदुर्ग बनाए थे। क्यों? समुद्र में कंस्ट्रक्शन की टेक्निक वह जानते थे, उसका महत्व समझते थे, कौन सी चीज पानी पर तैरती या डूबती है वह जानते थे। अरे हाँ हमने भी तो स्कूल में वो प्रयोग किया था ना। अरे हाँ मैं अभी दिखाती, ये देखो। अरे ये नीचे क्यों नहीं डूब रहा है? पुष्टतान की वजह से वो ब्लेड पानी में नहीं डूबता है। जिस वस्तु की घनता पानी की घनता से कम होती है वो पानी में तैरती है, और जिस घनता जिस वस्तु से ज्यादा होती है वो पानी में डूब जाती है। इसी तंत्र के कारण पानी में बड़ी बड़ी जहाज तैरते हैं, दूर दूर तक सफर करती है, और इसी तंत्र के कारण पानी में कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। सच में हमारे देश की आज़ादी का इतिहास बड़ा ही रोमांचकारी है, और उन्होंने और उसमें विज्ञान की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे विज्ञानवादी क्रांतिकारियों को हमारा सलाम है। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।